दोस्तों पुराने जमाने में जब जहाज ज्यादा पुराने हो जाते थे तो उसके काम करने वाले जरूरी भाग को निकाल दिया जाता था और बचे हुए बेकार पार्ट्स को पानी में डुबा दिया जाता था। इससे ये समुद्र में रहने वाले जीवों का घर बन जाता था। समुद्री जहाजों के पार्ट्स को अलग अलग करना बहुत खतरनाक काम होता था, इसलिए ऐसा किया जाता था। इस काम में वर्कर्स के हाथ पैर कटने का डर भी होता है। इसके अलावा जहाजों का कचरा काफी जहरीला भी होता है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इन्हें रिसाइकल करने का काम सिर्फ भारत में होता है। गुजरात के भावनगर में दुनिया का सबसे बड़ा जहाजों का कब्रिस्तान मौजूद है। इस जगह पर दुनिया के 80% क्रूज शिप और कंटेनर सिर्फ रिसाइकल होने के लिए आते हैं।